नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एक और नए कैसरगंज के ब्लॉग में। और ये सब जो दिख रहा है कैसरगंज मार्केट है। फिलहाल अभी हम आए हुए हैं कैसरगंज में और हमने पहला सफ़र कंप्लीट कर लिया है। पहला सफ़र का एक वीडियो बनाया है अलग से, तो आप लोग शायद देखे ही होंगे। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कैसरगंज में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें फेमस हैं। सारे चीज़ का एक्सप्लोर करूँगा, पूरे मार्केट का एक्सप्लोर करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा। तो सबसे पहले आप एक्सपीरियंस कीजिए, वाओ, वेलकम टू कैसरगंज। तो ये कैसरगंज है भाई, और ये हाईवे रास्ता है बहराइच टू लखनऊ का। तो इस पे अभी सबसे पहले चलेंगे आगे, आगे से उस वाले उधर वाले साइड रास्ते का पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों को पूरा एक्सपीरियंस ए टू जेड करा देंगे। उसके बाद लौटेंगे इस पे, फिर पूरा ए टू जेड एक्सपीरियंस करवा देंगे, क्या क्या चीज़ें हैं सारे चीज़ दिखा दूंगा आप लोगों को। आप लोगों को एक सीन और दिखाते हैं जो कैसरगंज के अंदर है। ये देखिए भाई साहब, पावर हाउस, और कितना बड़ा पावर हाउस है भाई साहब यहाँ पे कैसरगंज के अंदर। यहीं से दिख रहा था, मैंने सोचा दिखा देते हैं आप लोगों को, उसके बाद ही चलते हैं। हमारे इसी बाइक का भाई साहब चालान कटा था। देखो भाई, इतना मेहनत कर रहा है, सभी जगह पे मुझे ले जा रहा है, वीडियो बनवा रहा है, पर पुलिस वालों ने इतना नहीं सोचा, चालान काट दिया खट से, वो भी 1500 का। एक मस्जिद भी दिख रही है, ये बड़ा सा मीनार है। अभी हम ब्लॉग को शुरू करने से पहले यहाँ का डिटेल आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, बाराबंकी 56 किलोमीटर, लखनऊ 83 किलोमीटर, और गोंडा 60 किलोमीटर, फैजाबाद 122 किलोमीटर है। और ये एक बोर्ड पड़ेगा, ठीक है, बड़ा सा बोर्ड पड़ेगा। यहाँ एक छोटा सा बस अड्डा बनाया गया है जिसका नाम कोनारी रखा गया है। ये देखिए, यहाँ पर कस्टमर बैठ के वेट कर सकते हैं बस का। देखो भाई क्या नाइंसाफ़ी है, जब मस्त ब्लॉग बनाने का चांस आया था, देखो इतना धूप निकल आया है भाई कि क्या बताएं। तो अभी यहाँ से एक्सप्लोरिंग स्टार्ट होती है। यहाँ से देखिए दो रास्ते बन गए हैं ना, आगे सिंगल रास्ता है, सीधे लखनऊ जा सकते हो, 83 किलोमीटर यहाँ से पड़ेगा। यहाँ से दो रास्ते बन गए हैं, तो पहले तो इस रास्ते का मैं एक्सपीरियंस आप लोगों को कराऊँगा, उसके बाद उस वाले रास्ते का एक्सपीरियंस कराऊँगा उधर वाले साइड का। तो पहले आप देख लीजिएगा, यहाँ पर नगर पंचायत कैसरगंज बहराइच में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ये देखिए बोर्ड सबसे पहले मिलेगा। और बांस देखो भाई, यहाँ पे इतने अच्छे वैरायटी का लगा है, ये देखो। यहीं पे दूसरा बोर्ड भी दिखेगा, जमालुद्दीनपुर, आप देख लो कुछ ऐसा है। और यहाँ से कुछ सीन ऐसे बन जाते हैं, और यहाँ पर निशान है ना क्रॉस करके कि इधर पड़ेगा भाई। चलिए भाई, ये तो वीडियो की स्टार्टिंग हो गई, अब बचा है भाई मेन सीन। तो आप लोगों को मेन सीन दिखाते हैं, मेन सीन, मेन मार्केट दिखाते हैं, मार्केट में क्या है, सारे सीन आप लोगों को दिखाते हैं। अच्छा, यहीं पे एक चीज़ और है बगल में, आप देख लो भाई, निर्बल सेवा आश्रम। अब इसमें क्या होता है ये तो भाई मुझे एक्सपीरियंस है नहीं, पर यहाँ पर बना है, आप लोग देख लो, मतलब जानकारी करना चाहो तो यहाँ पे आके कुछ जानकारी कर सकते हो। मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया है नहीं भाई। माइसेन सीमेंट का प्रचार जो है अच्छा दिया गया है, 150 वर्षों से। वाओ भाई वाओ, क्या बात है। अब यहाँ से दिख रहा है, ये देखो, ये वाला, ये पावर हाउस है। पावर हाउस के हम बिल्कुल सामने आ गए हैं। सामने यहाँ पे आप देख सकते हो यूनियन बैंक। धूप उधर से आ रहा है ना, तो उतना बढ़िया से दिख नहीं रहा है, बाकी आप लोग दिखा दे रहे हैं ऐसा है। बाकी ये पूरा मार्केट है, आप देख लो, ये पूरा मार्केट है भाई। यहाँ पे बिशन हॉस्पिटल भी है, ये देखो भाई, ये तो आगे सामने का बोर्ड हो गया। और हॉस्पिटल आपको दिखाते हैं ऊपर भी एक, ये देखो मिशन हॉस्पिटल का बोर्ड लगा है, बढ़िया सा, बहुत ऊंचा, और यही हॉस्पिटल है भाई। तो ये सब पूरा सीन है। और एक पुरानी सी मंदिर है, आप देख लो, श्री राम मंदिर। भाई हम समझे थे कि हम इधर रोड से एक्सप्लोर करेंगे, फिर लौटेंगे उधर रोड से एक्सप्लोर करेंगे, मतलब दोनों रोड का एक्सप्लोर करेंगे, पर दोनों रोड का
एक ही रोड से एक्सप्लोर हो जा रहा है तो दोनों रोड पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी भाई साहब अब, क्योंकि अब उधर से आएंगे तो उतना बढ़िया से एक्सप्लोर नहीं हो पाएगा जितना बढ़िया इधर एक ही रोड से हो जा रहा है। देखो भाई कैसरगंज, वेलकम टू कैसरगंज। ये कैसरगंज जिला बहराइच में पड़ता है, इधर डाकखाना पड़ेगा। देखो और देखो भाई दुकान देखो यहाँ पे, इधर जो है कोतवाली है और इधर जो है देखो कोतवाली का मेन गेट है, इधर जो है तहसील कैसरगंज है। आप देख सकते हो इस तरह से है, अभी तहसील के अंदर भी चलेंगे, ऐसा नहीं है कि बाहर से दिखा देंगे आप लोगों को। अब हम चलते हैं तहसील के अंदर। ये देखो बाहर इतनी भीड़ लगी है, इसका कोई जवाब ही नहीं है। देख सकते हो तहसील कैसरगंज, गाड़ी देखो गाड़ी कितनी भीड़ लगी है यहाँ पे। ये देखो टंकी उंकी सब बना है भाई साहब। तहसील देखो कैसरगंज का, वाओ तभी तो कह रहा हूँ इतना क्यों फेमस है। ये मान के चलो कि 3-4 ज़िले में सबसे ज़्यादा फेमस यही तहसील है कैसरगंज। ये देखो भाई बिल्डिंग कैसरगंज के अंदर, जो भी इधर से दिख जाएगा दिख जाएगा, जो छूटेगा उधर से जब रोड से रिटर्न मारेंगे तो छूटा हुआ सीन भी कवर कर लेंगे। मतलब मुझे तो जाना पड़ेगा दोनों रोड पे। फिलहाल अभी चलते हैं इधर से पूरा दिखाते हुए। ये देखो भाई गलियों वाली मार्केट भी है और ट्रैफिक भी बहुत है भाई यहाँ। उधर साइड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, लौटेंगे तब दिखाएंगे क्योंकि अंदर चलना पड़ेगा भाई। इधर से अभी पूरा दिखाते हुए चलते हैं। ये सब देखो भाई मार्केट, और ये मार्केट जो है बीच में है। अभी देखो इधर से भी रोड है और उधर से भी रोड है, और ये मार्केट जो है डिस्ट्रिक्ट बहराइच में पड़ता है भाई। बहराइच में कितना बड़ा है बहराइच, बोर्ड दिख रहा है उधर से आए हुए हैं। यहाँ भी बोर्ड है, इस पर पूरा डिटेल दिया गया है भाई। जो है चुनाव कार्यालय बना हुआ है, इधर जेबी हॉस्पिटल का एड है भाई। एक बात मैं और सोच रहा हूँ कि अगर गाड़ी नहीं होता, पैदल अगर कवर करना होता तो शायद मैं एक एक सीन आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखा देता, पर भाई गाड़ी को कहाँ छोड़ दूँ। अब देखो भाई हम गल्ला मंडी के पास में आ गए, यहाँ पे गल्ला मंडी भी है। देखो ये सब पूरा गल्ला मंडी ही है, देखो भाई इतना बड़ा गल्ला मंडी, वाओ। इधर ट्रैक्टर का शोरूम है स्वराज, और रिपेयरिंग भी है हो रही है, मैसी का शोरूम है इधर। तो एक चीज़ और जान लो यहाँ पे कि देखो बीच में लाइट लगी है, मतलब रात में भी यहाँ पे खूब ज़्यादा उजाला रहेगा। देखो खंभे खंभे पे लाइट, पूरा बीच में खंभा खंभा लगाया गया है, उसके बाद में इस पर लाइट पूरी लगाई गई है। दो दो लाइट, एक इधर से एक उधर से। SBI का बैंक भी मिलेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा भी मिलेगा। यहाँ पे एक बोर्ड दिखा रहा है कोल्ड स्टोर, मतलब कोल्ड स्टोर भी है इधर सामने को दिखा रहा है। और यहाँ पे देखो भाई एक मस्जिद देखो प्यारी सी बन रही है, रॉयल इनफील्ड का शोरूम भी यहाँ पे देखो भाई। ये लास्ट था आगे से, अभी उस रोड पे रिटर्न मारेंगे। तो भाई अब हम बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं, और यहाँ से मुझे रिटर्न लेना है, उस रोड पे निकलना है। यहाँ पे स्टाफ दिखा रहा है, और इधर से अभी इस रोड का एक्सप्लोर करते हुए निकलेंगे पूरा कंप्लीट करके, फिर वापस बैक
इधर साइड में जो है, दूसरे साइड में हमने नहीं दिखाया था आप लोगों को। देखो पूरा फर्नीचर का दुकान है, मतलब लकड़ी से संबंधित कोई भी सामान बनवा सकते हो। दूसरी तरफ कैसरगंज का बोर्ड दिखा रहा है भाई, और भी एक बोर्ड दिखा रहा है, मतलब उधर से जब आए थे सेम यही कहानी थी, इधर से भी सेम यही कहानी है। देखो नगर पंचायत कैसरगंज बहराइच में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन, देखो वैसा सेम। अब क्या बताएं भाई, जिस तरह से सोचा था ब्लॉग उस तरह से नहीं बन पाया, क्योंकि भाई तो गर्मी बहुत पड़ गई और साथ में बाइक साथ में है, तो मार्केट में इसे जगह जगह पे रोक के तो एक्सप्लोर कर नहीं पाएंगे। मैंने सोचा अब चलिए ऐसे ही खेलते हैं, मतलब बाइक से ही कुछ सीन दिखा देते हैं, कुछ सीन रुक के भी दिखा देंगे। तो जो भट्टा मैदान में खड़ा है बहुत प्यारा लग रहा है, मैंने सोचा दिखाते हैं, थोड़ा सा हो सकता है ये बंद हो या फिर क्या। कोल्ड स्टोर दिखा रहा है, एक भट्टा का बोर्ड दिखा रहा है, इधर एक MREF का बोर्ड दिखा रहा है, ट्रैक्टर का शोरूम दिखा रहा है, न्यू हाईलैंड, और ये सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगा है ये बल्ब बीच में खड़ा हुआ है, खंभे इस पे सारा का सारा बल्ब लगा हुआ है, इधर साइड में भी उधर साइड में भी। बजाज का शोरूम, महिंद्रा का शोरूम, पिज़्ज़ा खालो रेस्टोरेंट, वाओ भाई साहब, ये भिनगा वाला तो नहीं है पिज़्ज़ा खालो, भिनगा में भी हमने देखा था भाई पिज़्ज़ा खालो रेस्टोरेंट, और एक्सप्लोर भी किया था, हो सकता है वही ब्रांच हो यहाँ पे भी। ओ भाई डायमंड फर्नीचर हाउस, बढ़िया सा, मतलब कैसरगंज है भाई कैसरगंज, ये देखो भाई कैसरगंज। यहाँ पे बसें रुकती हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी लगता है, यहाँ पे बोर्ड भी दिखता है, और इसी पे हम आए थे ना, ये देखो श्री हनुमान मंदिर, और देखो कितने लोग यहाँ पे हैं भाई, देखो बड़ी भीड़ होती है इधर भाई। देखो भाई गुनगुन कलेक्शन, ये देखो भाई, देखो भाई भीड़, देखो कैसरगंज के अंदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे आ गए हैं, अभी दिखाते हैं उसके बाद फिर इधर से फिर चलेंगे भाई, यहाँ से स्टार्टिंग है और यही है भाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ का। गाड़ी देखो भाई साहब कितनी खड़ी है, एम्बुलेंस वगैरह भी खड़े हैं यहाँ पे, रोगी कल्याण समिति भी है यहाँ पे, मंदिर भी है यहाँ पे। यहाँ पे एक बढ़िया डिटेल और है, रेबीज का इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहा है, ये देखो कुत्ते जो डॉग में होते हैं ना। स्वच्छता का प्रतीक, यहाँ पे शौचालय है, और फिर हम आ गए हैं तहसील के इधर साइड में, इधर देखो भाई इधर भी लोग बैठते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और दिखा दूँ, यहाँ पे कोतवाली कैसरगंज, ये देखो भाई ऐसा है, पे दूसरा बोर्ड भी दिखा रहा है कोतवाली कैसरगंज। हाँ देखिए भाई साहब ये है डाकघर, देखो कितना प्यारा डाकघर बना हुआ है, महाराज आ रहे हैं सामने की तरफ, ये देखो भाई विशाल, और यहाँ पे एक बोर्ड दिखा रहा है कैसरगंज, ये है लास्ट मार्केट यहाँ का। तो फाइनली हमने पूरा लगभग मान के चलो रोड का एक्सप्लोर कर लिया है, इधर देखो फिर से आ गया श्री राम मंदिर की तरफ, और अभी देखो लगभग मार्केट ख़त्म हो रहा है इधर से, और ये पूरा सड़क का मार्केट था, मैंने आप लोगों को दिखाया, इधर पंजाब नेशनल बैंक झंडा लहरा रहा है, प्यारा लग रहा है, और इधर देखो यहाँ तक लास्ट दुकान। तो अब लेंगे रिटर्न भाई साहब,
क्योंकि ब्लॉग जो है बहुत ही लंबी हो गई होगी, आप लोग भी बोर हो रहे होंगे। यहाँ पे एक प्रचार चल रहा है, अभी देख लो, इसमें नंबर वगैरह सब दिए गए हैं, हो सकता है आपको थोड़ा मदद मिल जाए इस प्रचार को देख के, इसलिए मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। न्यूरो सर्जन का है डॉक्टर फरहान अहमद, आप देख सकते हो यहाँ पे मोबाइल नंबर है, संपर्क कर सकते हो अगर कोई दिक्कत आपको है इस रोग से संबंधित। तो भाई एक सीन और छूट रहा था, ये मस्जिद आप देख सकते हो कितना प्यारा सीन लग रहा है। तो जब इधर से गए तब भी भाई छूट गया, उधर से आए तब भी छूट गया, अब दोबारा आए हैं भाई तब हमने सोचा आप लोग जाते हैं। तो ये देखो, और सामने बहुत सी दुकान है। तो ये देखिए भाई, सारी मशीनें लगी हैं इधर भी। एक प्राथमिक विद्यालय है, केंद्र है आंगनबाड़ी वाला, इधर इधर शौचालय है। और ये देखिए, थोड़ा व्यू अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा थोड़ा रुकते हैं। और ये प्रयागपुर से कैसरगंज का हाईवे रास्ता। तो आज की अपनी एक कंप्लीट जर्नी हमने कर लिया है, तो आज हमने एक जर्नी कंप्लीट कर ली है कैसरगंज का। मतलब घर से निकले थे मॉर्निंग में करीब 11 बजे के आसपास, और अभी टाइम जो है 5:49 हो गए हैं। और आज हमने दो वीडियो बनाया है, शॉर्ट वीडियो अलग से बनाया है, मतलब मेहनत कुछ ज़्यादा ही किए हैं। और ज़्यादा कुछ अब नहीं बताऊंगा, वैसे आप लोग बताइएगा कि क्या छूट रहा है इस मार्केट में, क्या हमने कवर किया सारे चीज़। पहले तो एक ब्लॉग हमने बनाया कंप्लीट जर्नी की, जिसमें कमेंट किया गया था कि भाई पूरा हरियाली दिखाना और सब कुछ दिखाते हुए चलना, तो सारा सीन वैसा ही दिखाया हमने। दूसरा ब्लॉग जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमने दूसरा ब्लॉग एक शूट किया कैसरगंज का, पूरा मार्केट कवर किया जो अभी आपने इस वीडियो में देखा। तो दो वीडियो हमने कंप्लीट किया, हमने सोचा छोटा छोटा शॉर्ट वीडियो भी रास्ते में बना लेते हैं, कैसरगंज में बनाया तो बना लिया। तो इस वीडियो में अब ज़्यादा कुछ और नहीं बताऊंगा, बस इतना जान लीजिए कि कैसरगंज जो है डिस्ट्रिक्ट बहराइच में पड़ता है, बहुत ही फेमस मार्केट है, वहाँ पे सब कुछ है। आप लोग बताइएगा कि क्या इस वीडियो में छूटा है, मुझे नेक्स्ट टाइम कौन सी चीज़ कवर करने होंगे। तो बस इतना ही कहूँगा, बाकी इस वीडियो को अभी एंड करते हैं पे, क्योंकि हालत बहुत ख़राब हो गई भाई, जितना एनर्जी था सब ख़त्म हो गया, शाम हो गया, चलते हैं घर पे। अभी प्रयागपुर में रुके थे, प्राइमरी स्कूल था इधर, मैंने सोचा थोड़ा बैठते हैं। तो बस इतना ही था, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लेना, प्यार सपोर्ट के लिए नीचे थैंक्स बटन है वहाँ भी जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस प्राथमिक विद्यालय का नाम आप देख सकते हो, प्राथमिक विद्यालय गांधी कुइयां विकास क्षेत्र प्रयागपुर, ये है पूरा डिटेल और ये है पूरा व्यू। और ये बच्चों के लिए लगा है, बहुत ही अच्छी बात है भाई। भैंस देखो आ गई है यहाँ पे, भैंस को मिट्टी और पानी से बहुत लगाव होता है, देखो मिट्टी में लोट वोट के आई है ये भी, और वो भी काफ़ी ज़्यादा गीली है। यहाँ पे टीन है, टीन के नीचे ये सब खेलने के लिए बच्चों के लिए पूरी व्यवस्था इधर की गई है। यहाँ बाहर से प्रयागपुर का व्यू कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4 टावर दिख रहे हैं, इधर गेट पड़ेगा और ये सब घर।